बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो के लिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर केमिकल, पानी कीमे तौर पर क्या है? आंसर लिखना अपने, केमिकली वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कीमे तौर पर पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O और इसका जो केमिकल फार्मूला वो H2O है पानी का। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट, पानी के साथ क्या होता है जब इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट गुजारा जाता है? तो आंसर लिखना है, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिकल करंट को पानी में से गुजारा जाता है, वाटर स्प्लिट इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जो पानी है वो 2 हिस्सों के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी पेंट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, हम आयरन से बनी अशिया को पेंट क्यों करते हैं? आंसर है, वी पेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग देयर कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, हम आयरन से बनी अशिया को ऑक्सीजन के मिलाप से रोकने के लिए, जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सबसे पहले है, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक, सिलेक्ट वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, आप इनमें से मुंतखिब करना है कि इनमें से कौन सा दूसरों से मुख्तलिफ है। तो बॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमारा मुख्तलिफ है। अ फिजिकल चेंज अक्कर व्हेन तबई तब्दीली उस वक्त होती है जब सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज हीटेड, आम साल्ट के सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है। अ गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट इज, ठोस पोटाशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पैदा होने वाली गैस है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, कीमे तब्दीली के दौरान बनी वाली चीजों को मुंतखिब करें। दिस का आंसर है, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, फ्रीजिंग ऑफ आर लिक्विड, माया का जमना एक फिजिकल चेंज है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू वाटर, जब बिजली पानी से गुजरती है तो वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है? तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाती है। अ पीस ऑफ आयरन इज केप्ट इन ओपन एयर फॉर 5 डे, अ फिल्म ऑफ कोलेजन फॉर्म्ड ओवर इट इज, लोहे के एक टुकड़े को 5 दिन तक खुली हवा में रखा जाए तो इस पर बनने वाली तय होती है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कंबशन अ सब्सटेंस रिएक्ट देयर, जलने के अमल के दौरान एक माया बनता है तो वो है ऑक्सीजन। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड इज, दर्जा हरारत जिस पर माया के बुखारात का दबाव माया के गिर्द मौजूद पानी के दबाव के बराबर है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जब इनका रिएक्शन करवाया जाए तो सिल्वर प्लस वाटर, द अबव ट्रांजिशन इज नोन एज ट्रेंचिंग, ये हमारे पास सी जो ऑप्शन है इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग, सबसे पहले जी फिजिकल चेंज के मतलब आपने बताना है, 65 पेज के ऊपर आंसर है, और साथ ही केमिकल चेंज है वो भी 65 के ऊपर आंसर है। तो चलते 65 पेज के ऊपर, अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, किसी मादे की तबई खसूसियात में जो तब्दीली होती है उसे हम तबई तब्दीली कहते हैं। अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होता है कीमिया में होती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी, आपने बताना है 61 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी आर ड्यू टू फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस, एक ऐसी खसूसियात जो मादे के तबी रवैये की वजह से बनती है तबई खसूसियात कहलाती है। नेक्स्ट साथ ही हमने केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो वो 63 पेज के ऊपर आंसर में मिल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी आर एसोसिएट विद द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, केमिकल स्ट्रक्चर से जो हमारे पास खसूसियात में जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने मेल्टिंग पॉइंट बताना है और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, 62 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और जब आपने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है तो वो आपने लिखनी है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट।
एक जो चेंज होता है जो कि माया को ठोस में तब्दील करना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है 63 पेज के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ लिक्विड एट विच इट बींग्स द बॉइल एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। लिक्विड को गैस की शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए एक खास टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट 8 के ऊपर लिखते हैं हम सोबिलिटी। 62 पेज को पर आंसर मिल जाएगा। द सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसको एक खास टेम्परेचर और प्रेशर देकर हम उसमें जो सोलिबिलिटी है उसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 है रस्टिंग, जो 58 पेज के ऊपर मौजूद है। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इन द मॉइस्ट एयर रिएक्ट विद द आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू आयरन ऑक्साइड। ऐसी कीमत तब्दीली जो हवा में नमी की मौजूदगी की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में तब्दील कर देती है। नेक्स्ट 10 है ट्रेंचिंग, 59 पेज के ऊपर मौजूद है। ट्रेंचिंग इज अ थिन फिल्म ऑफ क्रेयन दैट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सिल्वर कॉपर ब्रास एल्यूमिनियम मैग्नेशियम ETC। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाएगा वाटर, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हीट क्रिएट करेंगे, मथेन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाए तो अमोनिया बनता है, आयरन और सल्फर को मिलाए तो आयरन सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल चेंज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 56 पेज से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल चेंज, अ चेंज इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। किसी मादे की तबई खसूसियात में जो तब्दीली होती है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोरेरी चेंज, ये एक आर्जी तब्दीली होती है। द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस अपीयर एज द रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज कैन बी रिजर्व इनटू द ओरिजिनल फॉर्म बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मादे की जो शक्ल तबी हालत से जाहिर होती है वो एक आम तबी तरीके से अपनी सही हालत में लौटाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर आर फ्रीजिंग चेंज इनटू आइस, पानी को अगर ठंडा किया जाए तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड ऑन हीटिंग, और अगर उसी बर्फ़ को गर्म किया जाए तो वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वाटर ऑन हीटिंग चेंजिंग इनटू स्टीम विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर आर कूलिंग। यहाँ तक आपने करा, नेक्स्ट जो आंसर है आपने इसे काट दिया। नेक्स्ट मेरे पास है हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज द वाइट सॉलिड सब्सटेंस। जिंक ऑक्साइड एक सफेद रंग का ठोस मादा है। इट्स कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू येलो ऑन हीटिंग, और इसे गर्म करने पर यह पहले सुर्ख और फिर सफेद हो जाती है। एंड देन ऑन कूलिंग, और फिर ठंडा करने पर इट्स चेंज बैक टू ओरिजिनल वाइट कलर, ये दोबारा अपनी वाइट कलर के अंदर आ जाती है। दिस चेंज ऑफ कलर इज अ फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर इज अ सिल्वर ग्रे इन कलर। ऑन हीटिंग इट फर्स्ट रेड हॉट, गर्म करने पर ये पहले रेड होती है एंड देन वाइट हॉट, फिर वाइट हो जाती है। ऑन कूलिंग इट्स ओरिजिनल सिल्वर ग्रे कलर इज रिटर्न, और ठंडा करने पर यह दोबारा अपनी उसी हालत के अंदर सिल्वर ग्रे कलर के अंदर आ जाती है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। व्हेन सम कॉमन सॉल्ट इन मिक्स इन वाटर, जब कुछ भी नमक को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं, इट रिजॉल्व, इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज द सॉल्ट रिमेन द सेम केमिकल इन द सोल्यूशन एंड कैन बी सेपरेट बाय बॉइलिंग द सोल्यूशन। जब ये एक तबीयत तब्दीली है, क्योंकि सोल्यूशन में जो नमक कीमे तौर पर ही रहता है और सोल्यूशन को उबाल कर अलग किया जा सकता है। ऑन बॉइलिंग वाटर वेपोरेट एंड वाइट रेजिड्यू ऑफ कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और उबालने पर पानी बखारात बन जाता है और आम नमक की सफेद बाकियात पीछे रह जाती है। नेक्स्ट हमने बताना है डिस्क्राइब रोल ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस केमिकल रिएक्शन डेट अकर नेचुरली। आपने मुख्तलिफ कुदरती तौर पर रिएक्शंस बताने ऑक्सीजन के। 57 पेज से आंसर स्टार्ट होगा। सबसे पहला जी कंबशन, व्हेन अ रब अ मैच स्टिक ऑन साइड ऑफ द मैच बॉक्स इट बीइंग्स टू बर्न। जब आप माचिस की तीली को माचिस के साइड से आप लगाते हैं तो वहां से आग बढ़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन, इस प्रोसेस को कंबशन का नाम कहा जाता है। कंबशन इज अ केमिकल चेंज दैट अपीयर व्हेन ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद द फ्यूल लाइक कोल, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनती है। नेक्स्ट रस्टिंग है, इट इज आवर जनरल ऑब्जर्वेशन दैट थिंग्स मेड ऑफ आयरन गेट रिड्यूस्ड प्लेस इन ओपन एयर अ फ्यू डेज। जब हम मुशाहदा करके लोहे से बनी चीजों को अगर कुछ दिन खुली हवा में रखा जाए तो इन पर जंग लग जाता है। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज है ड्यूरिंग ऑक्सीजन के साथ मॉइस्ट एयर के साथ एक
रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है ट्रांचिंग, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वी हैव लर्न कंबस्टिंग एंड रस्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ट्रेंचिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ट्रेंचिंग इज अ थिन फिल्म ऑफ क्रेयन दैट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सिल्वर कॉपर ब्रास एल्यूमिनियम मैग्नेशियम ईटीसी। हाउ कैन वी प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हम लोहे से बनी चीज़ों को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। 64 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग, सबसे पहले अप्लाइंग ऑयल, ऑयल लगा के कोटिंग अ लेयर ऑफ द ऑयल ऑन द ऑब्जेक्ट कीप द एयर एंड मॉइस्चर अवे फ्रॉम देम। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेफ फ्रॉम रस्टिंग। अशिया पर तेल की तह लगाने से हवा और नमी इससे दूर रहती है, इस तरह अशिया जंग लगने से महफूज रहती है। अप्लाइंग पेंट, पेंट करने से भी चीज़ों को महफूज किया जा सकता है। फार्मिंग अलॉय, मेकिंग अलॉय ऑफ आयरन इज अ बेटर मेथड ऑफ अवॉइडिंग रस्टिंग। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन दैट कैन बी यूज्ड इन मेनी केस। जंग को रोकने वाली कोटिंग का अतलाक करके हम इसको मफीद कर सकते हैं। ड्राई कोटिंग, चीज़ों को खुश करके प्रॉपर स्टोरेज अच्छे तरीके से महफूज करके। गैल्वेनाइजिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ओवर आयरन और स्टील प्रोडक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। आयरन या स्टील की मसनूआत हफाजती जंग को कोटिंग को गैल्वेनाइज कहा जाता है। ये एक बेहतरीन रुकावट है। कोट पाउडर, उसके ऊपर पाउडर की जो तह लगाकर हम उसे महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने डिस्क्राइब करना यूज ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। 63 पेज से यहाँ स्टार्ट होगा। यूजिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम। कंडक्टिविटी दांतों की एक तबई खूसियात है जिसके जरिए इनमें इलेक्ट्रिकल करंट गुजारा जाता है। मेटेलिक वायर, कॉपर वायर इज सेपरेटेड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन होम, स्कूल, इंडस्ट्रीज एंड वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। मेटल से बनी तार जैसे कि कॉपर की तार हमारे घरों में, स्कूलों में, संतों और जहाँ बिजली की जरूरत होती है वहाँ बिजली की तारों में फैलाई जाती है। इन दिस वे द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इस तरह कंडक्टिविटी जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में बिजली के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती है। सोलबिलिटी आ जाएगा। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। वाटर डिजॉल्व डाइजेस्ट फूड एंड फैसिलिटी एंड फैसिलिटेट इट्स पासेज इनटू द ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। इस खसूसियात की वजह से पानी हजम शुदा खुराक को तख्लीक करता है, यानी कि मुकम्मल हजम करता है और आंतों की दीवारों के जरिए खून में इसके जज़ब होने में सहूलियात फ्राहम करता है। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट है मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट एंड अदर फूड आइटम आर फ्रीज एट फ्रीजिंग पॉइंट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन इज केप्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूध, दूध से बनी अशिया और दीगर खाने पीने की अशिया को इनकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए इनके को इनको फ्रीज कर दिया जाता है। दवाइयात की मुख्तलिफ अकसाम को भी फ्रीज करके हम लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल डिफरेंट कंपोनेंट जस आर सेपरेटेड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। खाम माल की फ्रिक्शनल को इनके बॉइलिंग पॉइंट के बना पर लैदा किया जाता है। नेक्स्ट डिस्क्राइब करना अपने मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। इसका आंसर 63 पेज के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी जिसके सबसे पहले है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिविटी मादे का कीमी रद्दअमल का रुझान है। डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन द मटेरियल ऑफ बेकरी प्रोडक्ट। इसकी खासियत वजह से बेकिंग पाउडर बेकरी की मसनूआत में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्राम बेकिंग पाउडर ऑन हस्टिंग मेक्स ई प्रोडक्ट पोर सॉफ्ट एंड फुल फ्लेम। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रोटी वगैरह को नरम बनाती है। यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपने काट देना है। उसके बाद है जी एसिडिटी। एसिडिटी इज स्ट्रॉमिक प्रोडक्ट ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज यूज टू डाइजेशन ऑफ फूड। मादे में तेजाबियत गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पैदा होती है जो खाने को हजम करने में इस्तेमाल होती है। एसिडिटी प्रोड्यूस बाय एसिडिटी रेगुलेशन हेल्प टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड प्रोडक्ट। तेजाबियत रेगुलेटर्स के जरिए पैदा होने वाली तेजाबियत खाने के अशे के असल जराए और
रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंप्लीसेंस फूड प्रोडक्ट। और ये महफूज खुराक में खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फजाइश को भी रोकती है। लास्ट में देखा मेरे पास फ्लेम एबिलिटी। फ्लेम एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बर्न। बर्निंग ऑफ एसिटाइलीन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आतशगिरी मादे के जलने की सहायता है। ऑक्सीजन के साथ एसिटिलेशन को जलाने से एक ज्यादा दर्जे हरारत का शोला पैदा होता है जो कि स्टील की वेल्डिंग और काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5.4 तक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।